YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला मुख्यालय स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में रविवार को विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान मेले में शिशु बाल एवं किशोर वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन जिले के प्रख्यात शिक्षाविदों व गणमान्य जनों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विज्ञान मेले में बच्चों द्वारा दर्जनों मॉडल प्रदर्शनी के लिए लगाए गए। पर्यावरण, परंपरागत कृषि से हानि और लाभ, सॉइल टेस्ट के अलावा कई विज्ञान प्रयोग आधारित प्रदर्शनी शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा लगाए गए, जिसका आगत अतिथियों व अभिभावकों ने बारीकी से अवलोकन किया, जिनकी जिज्ञासाओं को शिशु मंदिर के बच्चों ने बड़ी ही बेबाकी के साथ शांत किया। शिशु मंदिर प्रचारण ने कहा कि विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी प्रांत स्तर पर आयोजित विज्ञान मेला में भाग लेंगे, जिसके बाद प्रांत स्तर के अव्वल प्रतिभागी क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विज्ञान मेले में अपने मॉडल की प्रदर्शनी लगाएंगे। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का विज्ञान मेला है, हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हो रहा है। यहाँ बच्चे विज्ञान मेला में जो अपने मॉडल्स लगाए हैं, इसमें निर्णायक उनके अंक देंगे और प्रत्येक क्षेत्र से या प्रत्येक विषय से प्रथम, द्वितीय और तृतीय का यहाँ विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उनको नंबर के हिसाब से निर्णायक जैसा उनको अंक देंगे और हर विषय से जो प्रथम आएंगे वो प्रांतीय स्तर के विज्ञान मेला में जाएंगे और वहाँ पर जब चयनित हो जाएंगे तो क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञान मेला भाग लेंगे और क्षेत्रीय स्तर पर जो बच्चे चयनित हो गए तो अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल लेवल पे जो साइंस फेयर होगा उसमें वो भाग लेंगे। तो ये एक श्रृंखला है जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का। इस प्रकार ये विज्ञान मेला तीन वर्गों में है, शिशु वर्ग, बाल वर्ग और किशोर वर्ग। शिशु वर्ग में कक्षा 4 और 5 के बच्चे शामिल हैं, बाल वर्ग में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे हैं और किशोर वर्ग में 9th और 10th के बच्चे अपने विभिन्न विषयों पर मॉडल बनाए हैं। इस विज्ञान मेला में जो विद्यालय में इस बार हो रहा है, इसमें कुल 121 मॉडल बने हैं। इसमें पर्यावरण है, इसमें कंप्यूटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पर है, इसमें साउंड है, फ्रिक्शन है जिसको फ्रिक्शन कहते हैं उस पर आधारित है और हमारे परंपरागत कृषि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी उपयोग आती है उसके हानि लाभ पर भी इसमें बच्चों को विषय मिला है मॉडल बनाने के लिए। और इस प्रकार और भी कई विषय हैं, सॉइल टेस्ट बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, सॉइल टेस्ट पर भी बच्चे अपना ये मॉडल बनाए हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल हैं जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करके क्लास में दिखाएंगे। इस प्रकार ये सारा विषय है जिसमें बच्चे आज प्रदर्शन बनाए हैं और अपना कुछ दिखाएंगे।